हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे एमएस एक्सेल 2019 में स्टडी ग्रुप का यूज किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी नंबर ग्रुप की, अब हम बात करते हैं कि यदि कोई नंबरिंग हो जाए उस पर किसी वैल्यू को फॉर्मेट करना हुआ या टेबल में कोई भी तरीके फॉर्मेटिंग करना हुआ तो कैसे करेंगे, तो आइए हम जानते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि जब भी कोई मेरे उस वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमें फॉर्मेटिंग का यूज करने के लिए सबसे पहले उस एरिया को सिलेक्शन करना पड़ेगा। इसके बाद हमें जाना होगा स्टडी ग्रुप में। यहाँ पर फर्स्ट आती है हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगी हाईलाइट सेल रूम। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपको फिर से राइट साइड में बहुत सारे टूल देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ ग्रेटर देन वहाँ पे, तो आपको इस तरह से पॉपअप खुल के मिल जाएगी। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कुछ नंबर डालना होता है, क्योंकि ग्रेटर देन जो दिखा रहे हैं वो कितना से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि हम जो ग्रेटर देन दिखाना चाहते हैं वो 2000 से दिखाना चाहते हैं। ओके, तो यदि 2000 से जो वैल्यू बड़ी होगी उसको हाईलाइट कर देगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल में सभी पिंक कलर से फिल हो गए हैं। दैट मीन्स कि ये 2000 से सभी वैल्यू ग्रेटर देन है। यदि यहीं पर मैं 3000 कर दूँ, 3000, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 ही वैल्यू ऐसे हैं जो 3000 से ग्रेटर है और 2 वैल्यू हैं जो 3000 से नीचे हैं। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं कि इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं। जो सेकेंड आते हैं हमारा सलेस देन, वैसे ही यहाँ पर यदि मैं लेस देन का प्रयोग करता हूँ तो आप उस समय देख रहे थे कि ये ग्रेटर देन दिखा रहे थे। अब यहीं पर अगर बात किया जाए तो ये लेस देन मतलब कि यदि मैं यहाँ पर 3000 से लेस देन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 वैल्यू ऐसी है जो 3000 से नीचे है। यदि मैं 4000 से करूँ तो सभी सिलेक्ट हो जाएगी, देख सकते हैं, क्योंकि 4000 से सभी वैल्यू छोटे हैं। आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आपको और भी इसमें ऑप्शन है कि बिटवीन मतलब कितने से कितने के बीच का है। जैसे कि हमारे पास इस तरह से आई है, पॉपअप खुल के आती है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर 2000 से ले करके यहाँ पर दे देता हूँ 3000 के रेंज का देता हूँ, तो इसके बीच के वैल्यू को फाइंड करके दिखाएगा। ओके, यहाँ पर 3000 ले लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 वैल्यू है जो कि 2000 एंड 3000 के बीच का रेंज का है। जैसे यहाँ पर 2323 है और दोनों जगहों पे थोड़ी जो 2000 और 3000 के बीच का वैल्यू है। ओके, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास और ऑप्शन है यहाँ पर कि इक्वल टू, यहाँ पर बराबर वाले के लिए उपयोग किया जाता है। टैक्स देन, यहाँ पर आप डेट के लिए उपयोग किया जाता है। डुप्लीकेट वैल्यू वैल्यू के लिए किया जाता है। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। डेट एक्यूरेसी में डेट के लिए काम आएगा। यहाँ पर हम डेट वगैरह देख सकते हैं। जैसे कि मान लेता हूँ कि यहाँ पर मैं कोई डेट लेता हूँ। ये डेट लेने के लिए यदि कंट्रोल के साथ सेमी कोलन का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से डेट आ जाती है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं डेट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पर एक्यूरेसी में जाता हूँ। आपको इस तरह से मिलेगी यस्टरडे लिखा होगा, आपको बहुत सारी मिलेगी। कि टुमारो को देखना है तो टुमारो का भी देख सकते हैं आप। ठीक है, यदि मैं मान लेता हूँ कि लास्ट डे का प्रयोग करना चाहता हूँ तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर अभी ये बड़ी टेबल होगी तो यह काम आएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा। ओके, इस तरह से कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सिलेक्शन एरिया करता हूँ थोड़ा सा, और सिलेक्शन एरिया करने के साथ हम लोग यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि डेट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर टुडे का क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो टुडे वाला सिलेक्शन हो गई है। ये सिलेक्शन करने के लिए सभी हैं।
हाईलाइट करते हैं थोड़ी सी, और यदि मैं नेक्स्ट वीक को करूँ तो नेक्स्ट वीक को भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट वीक नहीं है तो नहीं हो रही है। यदि मैं टुमारो को करता हूँ, उसके अलावा यहाँ पर मैं इन द लास्ट डे, तो ये लास्ट डे के लिए है, तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं टॉप बॉटम रूल। यहाँ पर क्या होता है, जैसे इसको सिलेक्ट कर लिए और इसके बाद गए, यहाँ पर जैसे जाएंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कितने वैल्यू को फाइंड कर रहा है। जैसे कि मान लेता हूँ कि यहाँ पर मेरे को एक ऐसे वैल्यू फाइंड चाहिए जो कि सबसे बड़े वैल्यू हो। ओके, तो आप देख सकते हैं कि 3,423 सबसे बड़े हैं, और इस यहाँ पर से यहाँ पर जो वैल्यू है उसमें से सबसे टॉप वैल्यू है। ओके, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं टॉप वैल्यू को। इस तरह से हमारे पास और भी हैं कि बॉटम 10% से नीचे वाला 10 एवरेज वगैरह फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, देख सकते हैं यहाँ पर एवरेज लगभग इसके औसत लगभग इक्वल टू के बराबर है, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू का प्रयोग किया है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। डेटा बार, इसका प्रयोग एक कलर की तरह फिल करके दिखाता है। आप देख सकते हैं जैसे कि मैं इसको अप्लाई करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये अपने रेंज के अकॉर्डिंग फिलअप हो रहा है। ठीक है, इसका देखिए 2000 वाला का कम है और 3000 वाला का बड़ा है, मतलब इसमें पूरा फिल हो गया है, इसमें कम हुआ है। ये नंबर के अकॉर्डिंग इसमें फॉर्मेटिंग हो जाता है। आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर बहुत सारे हैं, आप कर सकते हैं नीचे मोर कलर में भी आके कर सकते हैं, मोर रूल में भी। इसके बाद आते हैं कलर सीरीज। अब कलर सीरीज में क्या करेंगे, आप एक कलर कर सकते हैं। उसमें पीछे पिछले वाले डेटा बार में क्या होता था कि उसको सेल को फॉर्मेट करने का, मतलब उसमें सेल में कलर भरने का काम होता था, लेकिन इसमें क्या होता है कि हर सेल में पूरा का पूरा कलर कर देता है, लेकिन ये अलग अलग कलर करता है। ओके, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद नीचे में आइकन है, आइकन सेट कर सकते हैं नंबर पर, आप अलग अलग तरीकों से लगा सकते हैं। ओके, आप इस तरह से लगा सकते हैं, जैसे कि 3000 है तो सब ग्रीन हो गए हैं, ये उससे नीचे है तो इसको व्हाइट कर दिए, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और नीचे भी आपको आइकन के नीचे जब आपको मिलेगी, अब मोर रूल वगैरह, तो यहाँ पर कलर वगैरह बढ़िया से आप डिफाइन कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार, ये देख सकते हैं कलर वगैरह क्लियर है। ओके, इसके बाद क्लियर क्लियर रूल है, मतलब यहाँ से क्लियर कर सकते हो। ओके, जैसे मैं ये क्लियर करता हूँ, सबको कर लेता हूँ, ये सभी क्लियर कर दिया। ओके, इस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं। इसके नीचे जब जैसे ही आते हैं तो आपको एक मैनेज रूल, यहाँ पर आपको वही चीज़ ऑप्शन मिल जाती है, फिर से कलर वगैरह से चेंज कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। अब हम मिलते हैं स्टाइल ग्रुप के ही अंतर्गत फॉर्मेट एज टेबल को लेकर के, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।